नमस्ते, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं lallantop.com। विराट कोहली की आरसीबी गजब फॉर्म में आ गई है। अपने पिछले चार मैच आखिरी ओवरों में जीत लिए हैं आरसीबी ने, यानी जिसे कहते हैं नेल बाइटिंग फिनिश, वो ये कर रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। अपने होम ग्राउंड पर किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सीजन का 42वां मैच खेल रही आरसीबी ने अपने लिए ये मैच पारी के आखिरी तीन ओवरों में बना लिया था। 17 ओवर खत्म होने पर 138 पर 4 था स्कोर आरसीबी का। एबी डिविलियर्स 34 गेंदों पर 46 रन बना चुके थे और मार्कस स्टोइनिस 26 गेंदों पर सिर्फ 23 रन बनाकर खेल रहे थे। यहां से उम्मीद थी कि आरसीबी 160-170 का स्कोर बना लेगी, मगर इन दोनों ने वो गियर लगाया कि सब देखते रह गए। तो सबसे पहले बताते हैं कि 18वें ओवर में क्या हुआ। 18वां ओवर साउथ अफ्रीका से आए हार्डस बुल्जन का था और सामने थे मार्कस स्टोइनिस। पहली गेंद पर सिंगल आया, दूसरी पर ड्यूलियस ने चौका जड़ दिया, तीसरी पर ड्यूलियस ने छक्का टांग दिया। गेंदबाज की लाइन लेंथ इतनी बिगड़ गई कि अगली दो गेंद वाइड फेंक दी, फिर एक खाली गई और आखिरी पर दो रन आए, यानी इस ओवर में 16 रन पड़े और आरसीबी का स्कोर 154 रन हो गया। अब बढ़ते हैं 19वें ओवर की तरफ। गेंद मोहम्मद शमी के हाथ में थी, स्ट्राइक पर डिविलियर्स थे और पहली गेंद पर बाई का रन मिला, अगली गेंद पर फिर बाई का रन मिला और फिर डिविलियर्स ने लॉन्ग ऑफ पर छक्का टांग दिया। अगली गेंद पर फिर ताबड़तोड़ छक्का, उससे अगली यानी पांचवी गेंद पर एक और छक्का, लाइन से तीन छक्के डिविलियर्स ने टांग दिए। आखिरी गेंद पर लेग बाय का रन आया। इस ओवर में कुल 21 रन पड़े और आरसीबी का स्कोर हो गया 175 रन। अब पारी का 20वां ओवर बचा था और इस मैच का सबसे मजेदार ओवर यही होने वाला था। गेंद थी हार्डस बिल्जन के हाथ में, सामने डिविलियर्स थे। पहली गेंद पर छक्का और दोनों के बीच में 100 रन की पार्टनरशिप हो गई मार्कस स्टोइनिस और एबी डिविलियर्स के बीच में। दूसरी पर सिंगल के साथ स्टोइनिस आए और तीसरी पर स्टोइनिस ने चौका जड़ दिया, चौथी पर लॉन्ग ऑन पर छक्का, पांचवीं पर चौका और फिर आखिरी गेंद को मार्कस स्टोइनिस ने छक्के के लिए बाउंड्री पार पहुंचा दिया। इस ओवर में छक्का पड़ा, एक रन पड़ा, चार रन पड़े, छह रन पड़े, चार रन पड़े, छह रन पड़े, यानी कुल 27 रन पड़े और इस तरह आरसीबी का स्कोर हो गया 202 रन। तीन ओवरों में स्कोर 134 से 202 हो गया। तीन ओवरों में बने 64 रन। एबी डिविलियर्स और मार्कस स्टोइनिस के बीच शानदार नाबाद 121 रनों की साझेदारी हुई। आरसीबी का काम इसी में बन गया। डिविलियर्स ने 44 गेंदों पर 82 रन कूटे और मार्कस स्टोइनिस ने 34 गेंदों पर 46 रन मार दिए। दोनों ने कुल 10 छक्के मारे, डिविलियर्स ने 7 और स्टोइनिस ने 3। एक मजेदार टोटल पंजाब के सामने रख दिया। जवाब में पंजाब ने इसके नजदीक पहुंचने की बड़ी कोशिश की, मगर 185 के पार नहीं जा पाए। बेंगलोर ने 17 रन से यह मैच जीत लिया। ये आरसीबी के लिए चौथी बड़ी जीत है। अभी टीम के तीन मैच बचे हैं और अगर आरसीबी ने ये तीनों मैच जीत लिए तो वो प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। अभी आरसीबी के 8 पॉइंट्स हैं और अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने अगले तीन मैच भी जीत लिए तो ये अपने आप में कोहली की छाती पर एक तमगे से कम नहीं होगा। आप विराट कोहली की टीम की इस परफॉर्मेंस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या ये प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, स्मार्टफोन यूज़र हैं तो एंड्रॉयड ऐप आ चुकी है Lallantop की, उसे आप इंस्टॉल कर लें। क्रिकेट से जुड़ी हर वीडियो और अपडेट जानने के लिए पहुँचें Lallantop.com। शुक्रिया।